राधे कृष्ण। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की जानकारी। शरद पूर्णिमा अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की तिथि पर मनाई जाती है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा या फिर कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के अति निकट होता है। कहा जाता है शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं। इसीलिए इस दिन लोग खीर बनाकर रात में चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर प्रसाद के रूप में इसे खाते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व, तिथि और कैसे की जाएगी इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा। शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसीलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है। कहा जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। चंद्रमा इस दिन धरती पर 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है, इसलिए इस दिन खीर का सेवन करने से व्यक्ति को आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रही कई प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। आइए जानते हैं कब है शरद पूर्णिमा की तिथि। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:16 पर आरंभ हो रही है। साथ ही इस तिथि का अंत अगले दिन 29 अक्टूबर को रात में 1:52 पर होगा। वहीं उदया तिथि को आधार मानते हुए शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं इस दिन लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त क्या है और कैसे की जाएगी पूजा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 2:52 से लग रहा है। ऐसे में रात के समय ना तो लक्ष्मी पूजा होगी और ना चंद्रमा को अर्घ दे पाएंगे। इस स्थिति में ज्योतिषाचार्य मिश्र का कहना है कि आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा पूजन या तो सूतक काल से पूर्व करें या फिर चंद्र ग्रहण के समापन के बात करें। हालांकि ग्रहण के बाद चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा करना सही रहेगा। रात्रि में आपको शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर रात्रि के समय भी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और पूछती हैं कौन जा रहा है, इसीलिए इसे कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। इस बार आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा चंद्र ग्रहण के बात करें, उस समय ही शरद पूर्णिमा के ज्योतिष उपाय भी कर लें। और अब जानते हैं शरद पूर्णिमा पर पूजा कैसे करें। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन धान और समृद्धि की वृद्धि होती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करना फलदायी माना जाता है। अतः सर्वप्रथम शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इस दिन किसी नदी या तालाब में स्नान करना श्रेष्ठ कर होता है। यदि ये संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल मिला लें और मिलाकर इसे स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और सूर्य को अर्घ देते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें या सिर्फ एक बार ही भोजन ग्रहण करें। शाम के समय घर में गाय के दूध से खीर बनाएं। संध्या समय में चंद्रोदय के बाद पूजा स्थान की साफ सफाई करें। इसके पश्चात सभी प्रतिमाओं पर
गंगा जल का छिड़काव करें। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। क्षमता के अनुसार संख्या में घी के दीपक प्रज्वलित करें। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को अक्षत पुष्प माला आदि अर्पित करें। धूप अगरबत्ती जलाएं और नैवेद्य रूप में भोग और मिष्ठान रखें। घर में बनी खीर को भी भोग रूप में माँ लक्ष्मी के समक्ष रखें। अब माता लक्ष्मी व अन्य देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए सौभाग्य की कामना करें। पूजा में शरद पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य पढ़ें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती के साथ पूजा का समापन करें। इस पूजा के बाद आप चंद्र दर्शन और चंद्रदेव की भी पूजा करें। केले के पत्ते पर खीर रखकर चंद्रदेव को भोग के रूप में समर्पित करें। अब घर में बनाई हुई खीर को एक साफ छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रखें। चंद्रमा को प्रणाम करते हुए परिवार के लिए निरोगी मंगल जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगली सुबह इस खीर को प्रसाद रूप में सबको वितरित करें। इसी खीर के सेवन से आप अपना पूर्णिमा के व्रत का समापन कर सकते हैं। और अब जानते हैं चंद्रग्रह में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोग क्या करते हैं इस दिन। शरद पूर्णिमा के चांद में छठ पर या गैली पर चांद की रोशनी में चांदी के बर्तन में दूध को रखा जाता है। फिर उस दूध को भगवान को अर्पित करने के बाद पिया जाता है। कुछ लोग पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य स्थित होने पर उनका पूजन करते हैं और खीर का नैवेद्य अर्पण करने के बाद रात को खीर से भरा बर्तन खुली चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करते हैं। इस दिन घर में माताएं ज़्यादा दूध लेती हैं, फिर दिन भर उसे उठाती या उकालती घोटती रहती हैं। फिर उसमें केसर मेवा आदि डालने के बाद रात को छत पर ले जाकर चंद्रमा को उसका प्रसाद चढ़ाकर उसका पूजन करती हैं। फिर चांदी का पतीला चंद्र प्रकाश में रख दिया जाता है ताकि चंद्र किरणों से बरसता अमृत उसमें समा जाए और अंत में उसे पिया जाता है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव, भगवान शिव, कुबेर और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात में की गई चंद्र पूजन और आराधना से साल भर के लिए माता लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। इसके लिए आप मिट्टी का एक दीपक लें और उसमें तेल या घी भरें। इससे आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। शास्त्रों में कहा गया है हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए और धन सुख समृद्धि और ईश्वर की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो ये दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीज़ें दान करना चाहिए या इस दिन खुलकर लोगों में दूध बांटना चाहिए। इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी बहती नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस दिन शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनने के बाद व्रत का विसर्जन किया जाता है।
व्रत कथा सुनने से जहाँ व्रत का लाभ मिलता है वहीं संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों शरद पूर्णिमा पर ये काम जरूर करें। और आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मटन, चिकन या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदि। और शराब, इस दिन किसी भी हालत में आप शराब ना पिए, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इसे शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। और क्रोध भी नहीं करें इस दिन, क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बात नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। भावना, जिन्हें मंदाकिनी रोग होता है या जिनके पेट में क्षय उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। अतः भावनाओं में बहे नहीं, खुद पर नियंत्रण रखकर व्रत करें, स्वच्छ जल पर ध्यान दें। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं, अतः इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। साथ ही अन्य सावधानियां रखें। अन्य सावधानियां इस प्रकार हैं, इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। यदि इस दिन उपवास नहीं रख रहे हैं तो इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें और ही ना ही नकारात्मक बातें सोचें। दोस्तों ये सावधानी जरूर रखें। और ये शरद पूर्णिमा के मंत्र हैं जो कि पूजा के दौरान जप करने चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को मनाने के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमला लय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः। और इस दिन कुबेर देवता को मनाने के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वराय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। और इस दिन सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये निम्न मंत्र का जाप करें। मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा है, इसका जाप आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अवश्य करें। और हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा सत्संग नमस्कार। दोस्तों अपनी एक परेशानी आपसे शेयर कर रहे हैं, जरूर सुने। मैं लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हूँ, जिसकी वजह से पोस्ट को बनाते समय बहुत परेशानी होती है, सांस फूलने लगती है, जिससे आवाज़ सही नहीं आती। ये आपको पोस्ट में महसूस होता होगा, ये ठीक नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें क्षमा करें और हमारा साथ और सहयोग जरूर दें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ सहयोग जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, राधे राधे।